आज मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 28 विधानसभाओं का जो उपचुनाव था और बिहार के अंदर जो चुनाव के परिणाम आज आए हैं, उसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बहुत हृदय से इन चुनाव परिणामों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश की जनता को, जिस जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो बनी थी, गरीबों के कल्याण के लिए बनी हुई सरकार को आज स्थायित्व देने का काम और प्रचंड बहुमत जो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अथक मेहनत करके हमारे सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल के हमारे नीचे के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ा और हमारे नेतृत्व ने जो अथक मेहनत की, इस माननीय शिवराज जी से लेकर के सारे हमारे नेताओं ने एक साथ होकर के टीम भावना के साथ जो चुनाव लड़ा, उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हम ऐतिहासिक मतों से सीटों को जीत करके मध्य प्रदेश के चुनाव में इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन जनता ने दिया है। पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि 11% वोट का अंतर पहली बार हुआ है। यह ऐतिहासिक है कि जनता ने किस प्रकार से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम सब कार्यकर्ता जिन्होंने अथक मेहनत की है, हमारे नेतृत्व को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को मैं एक बार पुनः बधाई के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि इस जीत को हम सहज तौर पर स्वीकार करते हुए, जो हम सब लोगों ने विकास के मुद्दे पर संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो दुरावस्था का दौर था उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया, उसके आधार पर आज जो जीत मिली है, तो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके पुनः इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में आगे बढ़ने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के पुनः मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। यही विनती और सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि इस जीत को हम स्वीकार करते हुए अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का और संगठन काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बाकी सभी राज्यों के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, देश उनके पीछे खड़ा है। अमित जी का मार्गदर्शन और नड्डा जी का नेतृत्व सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इससे शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को ये विजय समर्पित करता हूँ। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के, सुहास जी के मार्गदर्शन में, पूरे संगठन की टीम में अनथक परिश्रम किया। ये चुनाव अस्वाभाविक था हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथी जिन्होंने भ्रष्टाचार की लंका को कांग्रेस की सरकार की जलाया था, वो कभी हमारे खिलाफ लड़े थे, लेकिन सहज रूप से उनके साथ मिलकर काम करना अपने आप में चुनौती थी। हमने जीरो से प्रारंभ किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के कारण और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एकजुटता के कारण हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलके घनघोर परिश्रम किया और इसलिए शानदार सफलता हमें हासिल हुई है। ये जो सफलता है भारतीय जनता पार्टी के विचार को जनता का आशीर्वाद है,
विकास के कामों को जनता का आशीर्वाद है, हमारी सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए उनको जनता का आशीर्वाद है। ये हमारी विनम्रता की, हमारी सेवा की, दरिद्र नारायण की सेवा की, किसानों की सेवा की, जो प्रयास हमने किए माताओं बहनों के कल्याण के, बच्चों को आगे लाने के लिए, उन प्रयासों को जनता का आशीर्वाद मिला है। दंभ और अहंकार हारा है, विनम्रता, शालीनता और सेवा यहाँ विजय हुई है। एक और मोहर इस चुनाव पर लगी है। इस चुनाव में कांग्रेस झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी, गद्दार, बिकाऊ, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, नंगे, भूखे, नालायक, कमीने, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सिद्ध हो गया कि जनता ऐसी अशालीनता पसंद नहीं करती। मध्य प्रदेश की जनता सेवा को ही पसंद करती है, और इसलिए 1.5-1.75 साल के बाद ही फिर भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता दी है। 11% वोटों का अंतर अपने आप में अविश्वसनीय है, कभी नहीं हुआ ये मध्य प्रदेश में। 28 चुनाव का अगर आप परिणाम देखें, हम जीते तो 63,000 वोटों से जीते, 63,000, 50,000, 40,000, 51,000। जहाँ हारे वहाँ बहुत कम मार्जिन से हारे, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी, लेकिन जनता का असीम आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का इसके लिए आभार प्रकट करता हूं, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जनता के विश्वास को किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ इस विजय को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। कल से ही इस संकल्प पर काम प्रारंभ किया जाएगा। सरकार संगठन के साथ मिलके, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, अपने नेतृत्व के साथ मिलके जन कल्याण और विकास के कामों में लग जाएगी। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। अब देखिए, मुझे अजीब बात लगती है, अब कमलनाथ जी से उनका क्या 36 का आंकड़ा मुझे पता नहीं। कमलनाथ जी तो कह गए कि ठीक है, जनता ने जो फैसला किया हमें स्वीकार है, लेकिन मेरे इस भाई को कभी ईवीएम में कमी है, पता नहीं इनका दिमाग कैसा चलता है, पता नहीं कौन सा कंप्यूटर इनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये किसी भी फैसले को कभी ढंग से स्वीकार ही नहीं करते, किंतु परंतु अगर मगर ईवीएम, अब उन पर भरोसा कौन करता है, उनको जो कहना है कहने दो। हाँ, तो उनको अधिकार है उनके विधायकों की बैठक करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसका रोड मैप तैयार है। कल सामने कविता जी, हाथ ऊपर, दोनों हाथ करना है। अरे आगे के लिए कुछ छोड़ो ना, सवारी करवाओगे। धन्यवाद, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी मित्रों ने भी बहुत मेहनत की है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।